हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हैंडमेड बाय बिमोला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे 3 छोटे छोटे क्यूट फ्रिज मैग्नेट्स। उसके लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम फैब्रिक्रिल का मोल्डेड लेंगे, ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। इसमें रेजिन मिक्स और हार्डनर आते हैं, जिनको हमें अच्छी तरह से मिलाकर डो तैयार करना है। बातों का ध्यान रखिए कि ये मिक्सचर थोड़े से हाथों में चिपक भी सकते हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए आप कोई भी टेलकम पाउडर का यूज कर सकते हैं। हमारा डो अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे टुकड़े करके 3 क्यूट फ्रिज मैग्नेट्स बनाएंगे। सबसे पहला मैग्नेट के लिए हम थोड़ी सी डो लेकर हाथ से धीरे धीरे सहलाते हुए पतली सी डोर बनाएंगे। फिर एक कोने से रोल करते हुए एक स्पाइरल शेप देंगे। और फिर एक टूथपिक को ध्यान से इंसर्ट करेंगे। फिर रेड, पिंक या कोई भी पसंद की कलर से हम इसे फिल कर देंगे। और कैंडी का लुक देने के लिए येलो और व्हाइट कलर से फाइनल टच देंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा पहला मैग्नेट में कलर हो गया है, और जब तक ये अच्छी तरह से सूख जाए, चलिए हम अपना दूसरा मैग्नेट तैयार करते हैं। दूसरा मैग्नेट को बनाने के लिए हम दो को अपने दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज करेंगे। डो को मोल्ड करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा डो फाइनली एक ऑरेंज बार का शेप ले सके। और फिर इस मैग्नेट के लिए भी हम एक टूथपिक का यूज करेंगे, या फिर आप चाहो तो एक आइसक्रीम स्टिक को काट कर भी यूज कर सकते हैं। तो जब तक हमारा दूसरा फ्रिज मैग्नेट सूखकर तैयार होता है, चलिए हम अपना तीसरा मैग्नेट की तैयारी करते हैं। तीसरा फ्रिज मैग्नेट के लिए भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे, अपना इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज करते हुए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि फाइनली हमें इसे एक हाफ मून की शेप देनी है। अब हमारा दूसरा फ्रिज मैग्नेट सूखकर बिल्कुल तैयार है, तो चलिए अब हम इसे कलर करते हैं। जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि हम इसे ऑरेंज बार बना रहे हैं, तो क्यों ना हम इसे ऑरेंज कलर से ही फिल करें। तो क्यों दोस्तों, लग रहा है ना बिल्कुल एकदम टेम्पटिंग। चलिए अब हम अपना थर्ड मैग्नेट को भी कलर कर देते हैं। इसे हम रेड कलर से फिल करेंगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि नीचे के गोलाई वाले पार्ट को हमें छोड़ देना है, क्योंकि हम उसे ग्रीन कलर से फिल करेंगे।
अब हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हुए वाटरमेलन का शेप देने के लिए सीड्स बनाएंगे। और क्योंकि हमारा ऑरेंज बार देखने में बिल्कुल फीका लग रहा है, हम कुछ स्टार शेप के सीक्वेंस यूज़ करेंगे। इस टाइप के सीक्वेंस आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। हम इसे ग्लू की मदद से चिपका देंगे। अब हम कोई भी कार्डबोर्ड या हार्ड पेपर लेकर इन मैग्नेट्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। फिर उन्हें एक सीजर की मदद से कट कर लेंगे। ठीक उसी तरह बाकी मैग्नेट्स के शेप को भी कट करके तैयार कर लेंगे। फिर उन्हें ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। अब ये कुछ मैग्नेट्स मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, पर आपको मैग्नेट्स भी किसी भी स्टेशनरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। इन मैग्नेट्स को भी हम ग्लू की मदद से हमारे बनाए हुए फ्रिज मैग्नेट के पीछे चिपका देंगे और अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, हमारा तीनों फ्रिज मैग्नेट्स सूख कर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।